हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, जो ये मेरी वैगनआर है इसका एसी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, और आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से आप ये ठीक कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इसका एसी क्या दिक्कत कर रहा है। अब जैसे ये गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने, देखिए, तो अभी मैं एसी ऑन करता हूँ इसका। ये तो ब्लोअर ऑन कर दिया मैंने अभी पहले, और उसके बाद एसी ऑन करता हूँ। ये देखिए अभी इसका एसी नहीं चल रहा है। हवा ज़रूर आ रही है पर जो कूलिंग है वो नहीं आ रही, कूलिंग नहीं आ रही इसके अंदर। हवा ज़रूर आ रही है, तो मैं बंद कर देता हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो अभी गाड़ी बंद करते हैं और पहले आपको बोनेट ओपन करना पड़ेगा इसका आगे से। ये रहा बोनेट ओपन कर। तो अब मैंने इसका देखा कि कंप्रेसर इसका काम नहीं कर रहा, तो अभी देखते हैं इसका कंप्रेसर किस वजह से काम नहीं कर रहा, आपको दिखाता हूँ अब मैं आगे। अब आपको इसका जो बोनेट है वो ओपन करना है और फिर देखना है। तो गाइस, यहाँ पे एक ये फ्यूज़ बॉक्स होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये फ्यूज़ बॉक्स हटा के इस तरीके से, और इसको डब्बे को इस तरीके से पलट देना आपको, और इस पर डायग्राम दिया होता है, ये देख सकते हो आप। और डायग्राम में बताया हुआ है जो ये कंप्रेसर है इसका चालू नहीं है, मतलब चल नहीं रहा अभी फ़िलहाल। तो ये एक रिले होती है यहाँ पे CPRSR, जो कि कंप्रेसर की रिले है, आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, आपको यहाँ देखना डायग्राम में। और जो ये सेकंड नंबर की रिले है यहाँ पे, ये सेकंड नंबर की जो रिले है उसको निकालना है यहाँ से आपको, ये वाली रिले। ये रिले आपको चेंज करने के बाद आपका एसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करने लग जाएगा। क्या वो निकाल के, ये रिले है 12 वोल्ट 20 एम्पियर की, जो कि आप स्पेयर पार्ट की शॉप से जाके परचेज कर सकते हो, और उसी जगह इसको लगा देना है फिर आपको, जहाँ से निकालना है आपको ये। और आपको दिखाता हूँ अब, और आपको दिखाता हूँ अब। तो अब एसी ऑन करता हूँ मैं इसका, तो अब देखिए कूलिंग भी कर रहा है बहुत अच्छी रिले चेंज करने के बाद में, और जो इसका कंप्रेसर है वो भी चल रहा है। अब यहाँ पे जो इसका कंप्रेसर होता है ये पहले घूम नहीं रहा था, तो अब ये घूमेगा देखना। अभी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए दिख रहा है चलने लग रहा है ना, ये जो कंप्रेसर है घूम रहा है, जो इसकी क्लच प्लेट है वो भी चल रही है। ये आपका जो एसी कूलिंग ना कर रहा हो तो आप यहाँ से डैशबोर्ड खोल के जो इसका एयर फिल्टर है उसको क्लीन करके, उससे आपका जो एसी है वो अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये निकालना होगा आपको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। इस तरीके से आपको इसको झाड़ना होगा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो जाती है जिसके कारण ये कूलिंग नहीं कर पाता एयर को अच्छे से। और आपको इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसी तरीके से लगा देना है उसमें, जिस तरीके से आपको निकालना है ये। अब देखिए जो मैंने जो इसका फिल्टर निकाला था एयर फिल्टर, उसको इसी तरीके से आपको लगा देना है, और जो इसकी ग्लो बॉक्स है उसको भी इसी तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे हम। और अब देखिए जो इसकी कूलिंग है कितनी शानदार आ रही है। अब तो अब एसी ऑन करता हूँ मैं इसका,
तो अब देखिए कूलिंग भी कर रहा है बहुत अच्छी रिले चेंज करने के बाद में। तो गाइज अब देख सकते हो आप कितनी अच्छी एसी चल रही है अब इसकी, बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहा है। तो गाइज आपने देखा है किस तरीके से मैंने इसका एसी रिपेयर किया है, जो कि कूलिंग की प्रॉब्लम थी वो रिपेयर हो चुकी है, अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है अब एसी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो भाई को ये कोई दिक्कत आती है गाड़ी में वो इस वीडियो को देख के उसको रिपेयर कर सकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।